अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सही हूँ। ये देखिए, मैं आज बना रही हूँ आलू वाला पराठा, फिर उसकी बारी आ गई है। तो प्लीज़ मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। मेरी छोटी सी वीडियो होती है, लेकिन पता नहीं मैं वीडियो एक दो दिन छोड़ के डालती हूँ, पता नहीं क्या। मैं जब भी देखती हूँ ना, मेरे सब्सक्राइबर कम होते हैं, मेरा बड़ा दिल ख़राब होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को मुकम्मल वॉच किया करें, छोटी सी वीडियो होती है, और मेरी रिक्वेस्ट आप है आपसे। तो ये देखिए, मैं एक मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। इस ये आलू बॉयल कर लें, आलू में लाल मिर्च, नमक, सूखी मेथी, कसूरी जो होती है वो डाल के ना, और खुश्क धनिया, ये आप वैसे का वैसे फूल सा पेड़ा बना के आप रोटी बेल लें। तो इसमें मैंने हल्का सा देसी घी लगाया है, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए मेरी पराठे की मुकम्मल लुक। आज मेरा कैमरामैन मुजाहिद बना है, और मैंने ये रोटी बेली है पराठा, इसमें मैंने आलू, प्याज, साग मिर्च, साग धनिया और बाकी साग मिर्च वगैरह डाल डूल के ना, सूख सूख के इसमें मैंने डाला है। डाल के फिर मैंने पराठा बनाया है। अब मेरा ये पराठा, मज़ेदार पराठा क्या रेडी हो गया है। अब मैं चटनी के साथ सर्व करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुजाहिद, आप देख रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दें। मुजाहिद भी रिक्वेस्ट कर रहा है, आप प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर तो करवा दें। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें हमारी छोटी सी वीडियो को।